आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समाकलन एक बट्टा एक्स जोड़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस चार की घात पांच बट्टा तीन का मान है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आई मान लेते हैं इस समाकलन को और उसका मान दिया हुआ है डी एक्स बट्टा, यहाँ से आ रहा है एक्स जोड़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस चार और इस पूरे की घात पांच बटा तीन। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला पद है एक्स जोड़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस चार, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ अगर एक्स को इस तरफ भेज देते, ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर टी माइनस एक्स, तो दोनों तरफ वर्क कर देते, वर्क करने से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर टी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस टू टी एक्स। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से आपके पास ये आ जाएंगे एक्स बराबर टी बट्टा दो, बिकॉज टू टी एक्स को इस तरफ कर देते और चार को इस तरफ और मतलब टी से टू टी से भाग देते आ जाएगा टी बट्टा दो प्लस दो बट्टा टी। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, अवकलन कर देते, अवकलन करने से क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर और इस तरफ ये आ जाएगा एक बट्टा दो जोड़ यहाँ पे टू बाय टी का अवकलन क्या आ जाएगा टू बाय माइनस टी स्क्वायर और ये आ जाएंगे डी टी। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते, ये आ जाएगा टू टी स्क्वायर, नीचे बन जाएगा टू टी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस टू डी टी। इन सब की वैल्यू क्या करते हैं अपन आई में रख देते हैं, तो आई का जो मान है वो आ जाएगा I बराबर समाकलन, देखिए dx के जब ये वाला पद आ जाएगा तो इसको लिख लेते हैं t स्क्वायर माइनस टू बट्टा टू टी स्क्वायर डी टी और जो t था t के जगह पे ये चीज आ जाएगा x जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस चार की जगह t और t की घात पांच बट्टा तीन ऊपर में दिया हुआ था, इतना इंटू डी टी। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, इसका समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, ये बराबर आ जाएगा आपके पास, इसको इसके नीचे ले जाते हो और एक बटा दो कॉमन आ जाएगा और टी से टी कट के ये आपके पास बन जाएंगे टी की घात माइनस पांच बटा तीन और ये आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे माइनस टू गुना टी की घात माइनस ग्यारह बटा तीन। इसका अब समाकलन करना है टी के सापेक्ष, तो डी टी इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि x गुना x की घात n का जो समाकलन होता है वो आता है x की घात n जोड़ एक बट्टा n जोड़ एक और यहाँ पर प्लस c करके आता है, उसी प्रकार यहाँ से फॉर्मूला जब लगाएंगे ये वाला तो ये बन जाएगा हमारे पास एक बट्टा दो गुना t की घात माइनस पांच बट्टा तीन जोड़ एक बट्टा माइनस पांच बट्टा तीन जोड़ एक और यहाँ बन जाएगा माइनस दो गुना और t की घात माइनस ग्यारह बट्टा तीन जोड़ एक बट्टा माइनस ग्यारह बट्टा तीन जोड़ एक और यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा समाकलन नियतांक होता है। अब इसको अगर हम सरल करें तो सरल करने से ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा देखिए ये माइनस दो बट्टा तीन नीचे बन रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, देखिए ये बन जाएंगे माइनस तीन बट्टा चार, तीन ऊपर चला जाएगा तो, और टी की घात जो है वो बन जाएगा टी की घात माइनस दो बट्टा तीन और उसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का तीन बट्टा चार और ये बन जाएंगे टी की घात माइनस आठ बट्टा तीन जोड़ सी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इन पद में तीन बट्टा चार गुना टी की घात माइनस आठ बट्टा तीन कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने से क्या आ जाएगा बराबर तीन बट्टा चार गुना टी की घात माइनस आठ बट्टा तीन यदि हम कॉमन करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास एक यहाँ और यहाँ बन जाएंगे माइनस टी की घात दो प्लस सी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो विकल्प में देखें तो ये वाला जो विकल्प है वो आ जाएगा आपके पास विकल्प एक से, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक
एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।